Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिर करीम ऐसी भी क्या जिम्मेदारियां कि घर वालों के लिए वक्त ही ना निकले। तो अगर वो नहीं आ सकता तो तुम सबा को लेकर चली जाओ ना माहौल को। माहौल भी चेंज हो जाएगा, वो कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेगी शारिक के साथ। सबा वहां जाकर क्या करेगी, शारिक तो सारा दिन मसरूफ रहता है। तो ये था वो तुम्हारा जरूरी काम जिसकी वजह से तुम्हारे पास सबा के लिए वक्त नहीं था, और अब आप से तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आपके बेटे ने शादी कर ली छुपके और आप मुंह सीकर बैठी रही। ये देखो आपका नया रूम और ये आपका कॉट और ये रहे आपके टॉयज। आई होप तुम यहां कंफर्टेबल होगे। मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से सारी अरेंजमेंट्स करने की, लेकिन इफ यू नीड एनीथिंग एल्स बता देना मुझे। वो इंटरकॉम लगाए वन डायल करोगी तो मेरे रूम में मिल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं। दिन में दो दफा इसकी शक्ल दिखा दिया करो, काफी है। चलो तुम आराम करो। पता नहीं उस लड़की ने आपको और शारिक को क्या कहानी सुनाई है जो आप लोगों से अपने घर में बना दिए हुए हैं। वैसे मुझे तो वो सही लड़की लगती भी नहीं है। ऐसा ना कहो नफीसा, आदात अतवार से तो वो किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, बस सरा हालात की मारी हुई है। अच्छे घरानों के लोग अपनी लड़कियों को घर से निकाल नहीं देते। एंड बाय द वे, अब वो क्या सारी जिंदगी इस घर में गुजार देगी? नहीं नहीं, अभी उसका बच्चा छोटा है इसीलिए शारिक ने उसे रोका हुआ। अब कुछ अरसे के बाद चली जाएगी वो। रियली? वैसे जितनी लगन से आपका बेटा उसके आगे पीछे घूम रहा है ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। नफीसा, तुम शारिक को अच्छी तरह से जानती हो, वो तो हर किसी की जी जान से मदद करता है। आई कैन सी दैट, और इसकी तो कुछ ज्यादा ही दिलो जान से मदद नहीं कर रहा। लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है, हम कुछ भी प्लान करते रहे कुछ भी सोचते रहे होता वही है जो होना। हाँ, true। हमने कितनी कोशिश की कि तुम तो मुझसे भाग जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन देखो मैंने तो वही भाग नहीं गया। अरे बॉल आ गई। और अगर मैं आपकी बॉल ना दूं तो आप इतने बड़े हो गए कि मेरी बॉल से खेलेंगे? दे दूं? हाँ दे दो। ये रहा। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। हाँ। उनके साथ टाइम स्पेंड करके बंदा अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। जोया, मैंने तो सोच लिया मेरे कम अज कम बिना 5-6 बच्चे तो जरूर होंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? उसमें दिमाग खराब की क्या बात है, तुम जॉब करते हो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बच्चे कैसे संभालेंगे? एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल है, तुम 5-6 बच्चों की बातें कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, कैसे संभालेंगे आप, जॉब छोड़ के घर बैठ जाएंगे? अरे अपना बच्चा पालने के लिए जॉब छोड़ के घर बैठना पड़ा तो घर बैठ जाऊंगा। तुम एक बात बताओ, तुम मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा तो उठा लोगे? समझिया दिल दिया गलिया
इसका ख्याल रखने के लिए तुम कहीं नहीं हो सकते। कब तक इन तस्वीरों को देखकर रोती रहोगी? आंखों का नूर चला जाएगा। रात तस्वीर मेरे ख्वाब में आया था, नाराज हो रहा था मुझसे। माँ जी, आपने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखा। मैंने कश्मीर, मुझे तो मालूम ही नहीं तेरा बच्चा कहाँ है बेटा। मेरी एक बात नहीं सुनी, ऐसे नाराज नाराज चला के इसमें मेरी क्या गलती है नेमत साहब, मेरी क्या गलती है? नहीं, वो तुमसे नाराज नहीं है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता? इसे नाराजगी से मुझे क्यों देखता है? अब बात चलते हैं। मेरे का बच्चा ला दे नेमत, ला दे। औलाद को अपने सीने से नहीं लगाऊंगी, वो मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। वो उसका बच्चा ला दे मुझे नहीं बस, बस लगना बस। उसका बच्चा ला दे मुझे ना। तुम जाओगी ना शारिक के साथ? बल्कि ऐसा करते हैं, साथ जोया को भी ले चलते हैं, सारा दिन घर में रहती है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम अच्छी तरह से समझ रही हो। और एक बात और समझ लो, जब तक तुम यहाँ हो शारिक से जरा दूर ही रहना। सच्चाई नाजिम, तुम जाओ, मैं सर्व कर लेता हूँ। राइट सर। सबा? हाँ? क्या हुआ? वो जो बंदा है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्यों, कहा उसने तुम्हें? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने देखा है उसकी आंखें ठीक नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने?
आंखों में तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हर वक्त सर झुका के रखता है। तो फिर इसका मतलब है तुम्हें उसे डरना नहीं चाहिए। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, है ना? गुड गर्ल। शारिक तुम इसे घुमाने के लिए बाहर ले जाओ किसी दिन, जब से आई है कहीं बाहर गई ही नहीं। हाँ ठीक है। तुम जाओगी ना शारिक के साथ? बल्कि ऐसा करते हैं, साथ जोया को भी ले चलते हैं, सारा दिन घर में रहती है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो कहाँ जाएगी? मेरा मतलब है कि उसका छोटा सा बच्चा है और अभी तो उसे ढंग से बच्चा संभालना भी नहीं आता। कहीं माँ और बच्चा बाहर ठंड में बीमार पड़ गए तो क्यों आपा? हाँ नफीसा ठीक कह रही है, उसे भी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे आराम करने दो। जी चाय पी के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर चीज मौजूद है, सारी जिंदगी पड़ाव डालने का इरादा है कि यहां क्यों रह रही हो? घर बार नहीं है तुम्हारा? घर बार होता तो यहां पराए घर में क्यों रहती? जाहिर है इंसान की बच्ची हो, कोई दरख्त पर तो नहीं उगी होगी, कोई तो आगे पीछे रिश्तेदार होगा तुम्हारा। मेरा रिश्ता सिर्फ एक ही शख्स से मुंसलिक था, वो नहीं रहा तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। शारिक को कब से जानती है? मेरा मतलब है कब और कैसे मिली थी उससे? शारिक से तो किस्मत ने मिलवा दिया, वरना मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। पढ़ी लिखी हो? इसका मतलब है तुम अपना बोझ खुद उठा सकती हो और तुम सारी जिंदगी यहां डेरा डाले नहीं रहोगी। और वैसे भी अब तो शारिक की शादी होने वाली है, कल को उसकी भी अपनी फैमिली होगी, कब तक तुम्हारे पीछे यूं ख्वार होता फिरेगा? तुम्हें शारिक की मंगनी का पता है ना? वो मेरी बेटी का होने वाला शौहर है। जी जानती हूं मैं। जाहिर है जानती होगी, छोटी सी बच्ची तो नहीं हो, एक बच्चे की मां हो। लेकिन खैर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझाई देती हूं, पराई छत को अपना कहने से घर अपना नहीं हो जाता। इसी तरह अगर कोई गैर अपनाइयत जाहिर करे तो अपना नहीं हो सकता, इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं जो कहना चाह रही हूं वो तुम अच्छी तरह से समझ रही हो, और एक बात और समझ लो, जब तक तुम यहां हो शारिक से जरा दूर ही रहना। अंडरस्टूड? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमत मियाँ, तुमने मुझे हाजा की बीमारी के बारे में बताना गवारा नहीं समझा? वो तो मैं खुद आई हूँ, वरना ये बेचारी अकेले यहाँ बेसुध पड़ी रहती। बाजी आप वहां आराम से थी, मैं बिलावजह आपको परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। आराम से? अरे रहने दो मियाँ, उन दोनों मियाँ बीवी ने तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे चैन से नहीं रहने देंगे,
और वो जो उनका बेटा है जुल्फी, वो दोनों माँ बाप पर ही गया है। रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज फसाद। तो बस सफर, मैं तो तंग आके ना, मैंने तो पकड़ा बोरिया बिस्तरा और यहां चली आई। लड़ते मरते रहे वहां पीछे मेरे। माँ जी देखें, बुखार कम हुआ? बेटा लगता तो है, मेरे हाथ थक गए। कुछ दिनों से जोया को बहुत याद कर रही थी हाजरा। रातों को उठकर चाय नमाज में बैठ जाती थी। बेटा उसी को याद करके तो उसने ये हाल कर लिया अपना। पता नहीं वो बेचारी भी कहां भटक रही होगी अकेली। रो मेरा बच्चा ना रो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जरूर ठीक हो जाएगा सब। शारिक और सबा का निकाह इन हालात में कैसे हो सकता है? सबा इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। फिर साइकेट्रिस्ट ने जो कहा था, आपा साइकेट्रिस्ट ने शादी से मना किया था, निकाह से तो नहीं ना। शारिक कहाँ जा रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। माँ समीर रो रहा है। बच्चे रोते रहते हैं और तुम्हारा इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी माँ डॉक्टर है ना, वो देख लेगी उसे। लेकिन वो उसको नहीं संभाल सकती ना, परेशान हो जाती है। सबा एंजॉय किया फिर? जी फूफो। अरे कहाँ, ये तो खामोशी थी। सारी शॉपिंग तो मैंने खुद अपनी पसंद से की है। भाई तो अच्छा है ना, सारी जिंदगी उसने तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही तो चलना है। अभी से आदत हो जाएगी। क्यों, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई आज नहीं तो कल तुम दोनों की शादी तो हो ही जानी है। क्यों आपा, मैं ठीक कह रही हूं ना? हाँ नफीसा, अल्लाह खैर से वो दिन लाए। नाज़िम, ज़ोया मैडम नहीं आई खाने पे? सर वो सो रही है, अभी तबीयत ठीक। अच्छा मैं जरा देख के आता हूँ। भाई वो सो रही है, उसे क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? देखो आजकल के बच्चे कहाँ माँओं को सोने देते। अच्छा है, थोड़ी देर आराम कर लेगी। कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? सबा तो शारिक से मिलकर बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ सबा तो बहुत खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो मैंने वहां तुम्हें खुश होने के लिए थोड़ा ही भेजा था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मेरी बेटी खुश रहे। हाँ आप ही की बेटी की खुशियां दांव पर लगी। इस बात का क्या मतलब है? जो कुछ मैं देख कर आई हूं, मुझे लगता है कि सबा की खुशी इसी में है कि शारिक और सबा का निकाह कर दिया जाए जल्द से जल्द। को अपना कहने से घर अपना नहीं हो जाता। इसी तरह अगर कोई गैर अपनाइयत जाहिर करे तो अपना नहीं हो सकता।
नहीं जानता कि वो लड़की कौन है और आप उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि सबा आपकी भतीजी है और उसे आपकी और शारिक की अपनाइयत की ज्यादा जरूरत है। वो सब तो ठीक है करीम, मगर तुम जो कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शारिक और सबा का निकाह इन हालात में कैसे हो सकता है? सबा इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। फिर साइकेट्रिस्ट ने जो कहा था, आपा साइकेट्रिस्ट ने शादी से मना किया था, निकाह से तो नहीं ना। और वैसे भी सबा तो आजकल बहुत नॉर्मल रहने लगी है। मेरी और मतलब मैं और नफीसा ये चाह रहे थे कि सबा और शारिक का निकाह हो जाए। नहीं माँ, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। सबा की वो पोजीशन नहीं है। सबा इस पोजीशन में है बेटा, मैंने देखा है उसकी आंखों में। तुम्हें लेकर उसके रवैये में पॉजिटिव चेंज है। करीम और नफीसा ठीक कह रहे हैं, यही सही वक्त है। पता नहीं क्या जल्दी है आप लोगों को, इंतजार क्यों नहीं कर सकते? बेटा जल्दबाजी की क्या बात है, आज नहीं तो कल ये काम करना है, फिर देर क्या कर रही? हो सकता है इस निकाह से सबा की तबीयत में बेहतरी आ जाए। शारिक कहाँ जा रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। माँ समीर रो रहा है। बच्चे रोते रहते हैं और तुम्हारा इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी माँ डॉक्टर है ना, वो देख लेगी उसे। लेकिन वो उसको नहीं संभाल सकती ना, परेशान हो जाती है। अरे तो परेशान हो जाती है तो ठीक हो जाएगी, सीख लेगी वो बच्चे को संभालना। छोड़ो तुम उसे, मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ मुझे इस वक्त आपकी बात समझ नहीं आएगी, रो ही जा रहा है वो बेचारा। शारिक क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ, कब से बस रोया जा रहा है? मुझे दिखाओ, इधर आओ। बस 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 बस, ऐसे तो बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं अब ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। बस चलो आओ, इसको हॉस्पिटल लेके चलें। रात समीर की तबीयत खराब थी जी, बहुत तेज बुखार था इसे। अब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ना रात में तो इसे मेरी जान ही निकाल दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि शारिक ने आकर उसको दवा पिला के सुला दिया, तब जाके मेरी जान में जाना है। शारिक के हाथ पहचानने लगे शायद। बहुत अटैच हो गया उस। ये अच्छी बात नहीं है। शारिक कब तक तुम्हारे मसले हल करता रहेगा जोया? शारिक की आस पर कब तक जीती रहोगी? मैं किसी की आस पर जिंदा नहीं हूं और शारिक की तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शारिक को आजाद कर दो। क्या मतलब? तुम्हारे होते हुए वो सभा से कभी शादी नहीं करेगा। तुम सामने रहोगी तो वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। देखो बेटा, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा, लेकिन सबा को शारिक के अलावा कोई नहीं अपनाएगा। मैंने कहा ना मेरा कोई घर नहीं, किस हैसियत से आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे? मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहस हम घर जाके कर लें। समीर की तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह उसको ठंड में रखोगी मजीद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होगा, कि अपनी माँ की तरह बहुत ठीक है। एक्चुअली हमने सोचा कि कहाँ रोज रोज शारिक छुट्टी लेकर आ सकेगा, इसलिए निकाह के बजाय डायरेक्ट शादी कर देते। आपने तो कहा था
सादगी से होगा, निकाह होगा सिर्फ, शादी और रुखसती की बात नहीं हुई थी। ETV, सारे रंग हमारे।